बॉम्बे मसाला सैंडविच, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बॉम्बे मसाला सैंडविच। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए हरी चटनी तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं धनिया पत्ती ले रही हूँ। मैंने इसमें एक बंच, और कप में बोलेंगे तो मैंने हाफ कप धनिया पत्ती ली है। इसके बाद मैं इसमें 6 से 7 हरी मिर्च डाल दूँगी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा टुकड़ा शिमला मिर्च का डाला है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। 3 से 4 लहसुन की कली, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें मैं आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। अब मैं इसमें आधा नींबू का रस डालूंगी। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच भुजिया सेव या नमकीन बूंदी या फिर फल्ली ऐड कर सकते हैं। मैं इन तीनों में से कुछ भी ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैंने शिमला मिर्ची ऐड की है, उससे ही हमारी चटनी काफ़ी थिक हो जाएगी। पर आप चाहें तो आप अपने में ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है और एक काफ़ी गाढ़ी है। अब हम अपना सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसमें वाइट ब्रेड यूज़ किया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बटर स्प्रेड कर रही हूँ। इसके बाद जो हमने हरी चटनी बनाई थी उसे मैं लगा रही हूँ। बहुत अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा, इसमें मेन टेस्ट आपको हरी चटनी का ही आएगा। अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए आप। हम यहाँ पर ट्रिपल लेयर सैंडविच बना रहे हैं। एक लेयर में मैं टमाटो केचप ऐड डाल रही हूँ। आप चाहें तो ना भी डालें, पर इसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा आपका। और बटर वाले स्लाइस पे मैं थोड़ी सी मेयोनीज डाल रही हूँ। मेयोनीज भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इन तीनों को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। हम ये सैंडविच ग्रिलर पे भी बना सकते हैं, सैंडविच मेकर में बना सकते हैं, टोस्टर में बना सकते हैं। बट अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप ये वाली सैंडविच तवे पर, फ्राइंग पैन पर भी बना सकते हैं, और उसमें भी ये बहुत अच्छी बनती है। आज मैं आपको फ्राइंग पैन पर ही ये सैंडविच बनाकर दिखाऊंगी। अब मैंने अपने उबले हुए आलू के स्लाइस रखना शुरू कर दिया है। आप अच्छे तरह से अपने स्लाइस जमा लीजिए। इसके बाद मैं शिमला मिर्ची रख दूंगी एक लेयर पे। आप चाहे तो यहाँ पे शिमला मिर्ची के टुकड़े छोटे कर सकते हैं। उसके बाद मैं प्याज रख रही हूँ, फिर मैंने ककड़ी रख दी है, आप इसमें भर भर के सब्जियाँ डालिए, बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। इसके बाद मैं बीटरूट भी रख रही हूँ, बीटरूट बहुत फ़ायदा करता है, और सैंडविच के बहाने बच्चे भी सब्जियाँ खा लेते हैं। अब मैंने थोड़े से गाजर रख दिए हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर, आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। देख लीजिए, मैंने अच्छे तरीके से डाला है। अगर आपके बच्चे कम मिर्च खाते हैं तो आप इसे थोड़ा कम डालिएगा या फिर स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद हम डाल रहे हैं चाट मसाला। आपको चाट मसाला बहुत अच्छे से डालना है क्योंकि हमारी सब्जियों में किसी में भी बिल्कुल भी नमक नहीं है, और चाट मसाला में काफ़ी नमक होता है, तो आप यहाँ पे चाट मसाला बहुत अच्छे तरीके से डालिएगा और बहुत इससे टेस्ट आएगा आपके सैंडविच में। मैं थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर ओरिगैनो भी डाल रही हूँ, आप चाहें तो ना भी डालें। हमारा सैंडविच ग्रिलने के लिए तैयार है। ओह, अब हम डालेंगे इसका मेन पार्ट जो बच्चों को बहुत पसंद है, चीज़। आप चाहे तो चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, मेरे पास स्लाइस थी इसलिए मैंने स्लाइस का यूज़ किया है। अब हम इसे अरेंज कर देते हैं एक के ऊपर एक लेयर के रूप में। अब बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि अभी सब्जियाँ इसमें सेट नहीं तो गिरेंगी भी। अच्छे तरीके से आप इस तरह से उसे हाथ से दबा लीजिएगा। अब हम ऊपर में हल्का सा बटर लगा देंगे ताकि हमारा ऊपर कलर काफ़ी क्रंची हो जाए। आप थोड़ा सा तवे पर भी बटर डाल दीजिएगा ताकि नीचे की लेयर में भी अच्छे से क्रंच आ जाए। अब मैंने थोड़ा सा पैन पर बटर डाल दिया है। अब बहुत ध्यान से मैंने इसमें अपना सैंडविच रख दिया है। हल्का हल्का आप
किसी चम्मच के अंदर से इसे प्रेस करिएगा ताकि ये आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए और अच्छे से ग्रिल हो। कम से कम 2-3 मिनट आप छोड़िएगा। अब मैंने इसे पलट दी। आपको पलटते समय बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी सब्जियां बाहर ना आ जाए, इसलिए बहुत आराम से इसको पलटिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच सिक करके तैयार हो गया। अब मैं इसमें हल्का सा और बटर लगा दे रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बटर बहुत पसंद है। अब हम धीरे से इसे निकाल लेंगे और हम इसे कट कर लेंगे। तो हमारी बॉम्बे सैंडविच बनकर तैयार है। आप इसे हरी चटनी, टमाटो केचप और थोड़े से चिप्स के साथ इसे सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। जय जिनेंद्र। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। थैंक यू। जय जिनेंद्र।